स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप में। दोस्तों दोस्तों हम कर रहे थे राजस्थान में खनिज संपदा, और इसका एक चैप्टर है यानी कि इसके दो खनिज हम कर चुके हैं, और निश्चित तौर पर हम आगे के देखेंगे चांदी यानी कि सिल्वर। राजस्थान में कहां कहां पर चांदी की खाने हैं और किस प्रकार इसका उत्पादन होता है, उस पर संबंध में चांदी शीशे व जस्ते के साथ निकलती है। दोस्तों जो भी चांदी होती है वो शीशे और जस्ते इन कॉम्बिनेशन के साथ निश्चित तौर पर इसका निकलती है दोस्तों। और मुख्य इसके दोस्तों इसके जो है वो है अर्गेनाटाइट, पायराजाइराइट व हार्न सिल्वर हैं। और चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप राजस्थान की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर देखते हैं कि तांबा भी राजस्थान में निकलता है, वो सर्वाधिक निकलता है दोस्तों झुंझुनू, खेतड़ी, सिंगाना, यहाँ पर तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और निश्चित तौर पर उसके बाद में देखेंगे अलवर में भी तांबे का निकलता है दोस्तों। देखिए खोदरीबा, उदयपुर में निकलता है दोस्तों, अंजनी, शलमपुर और सिरोही में इसका निकलता है, वो है देलवाड़ा, किरोवाली। और राजसंबंध में ये है रेलमगरा। इस प्रकार आप तांबे के संबंध में देख सकते हैं। और तांबे के जो भी विशेष बातें हैं दोस्तों तांबे के अंतर्गत, वो है तांबा जो है दोस्तों आग्नेय औषधि व कायंत्रित चट्टानों में प्राप्त होता है। निश्चित तौर पर जो तीन प्रकार के चट्टाने हैं इनसे तांबे का वह अवेलेबिलिटी यानी कि प्राप्ति होती है। और झुंझुनू को राजस्थान में तांबा जिला कहा जाता है, आपको इम्पोर्टेंट बात है कि झुंझुनू जिला है उसको तांबा जिला के रूप में कहा जाएगा। और एग्जामिनेशन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि तांबा जिला निम्न में से किन को कहा जाएगा, वो ऐसे सीकर, झुंझुनू, ऐसा और चोरू ऐसा दे देंगे और आपसे पूछेगा कौन सा है, तो निश्चित तौर पर एक ये बात ध्यान रखनी होगी। और दोस्तों फिर देखते हैं कि तांबे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि भंडारों की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जो भी इसका भंडारण है दोस्तों निश्चित तौर पर राजस्थान प्रथम में है, और जो भी उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर पर है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी होगी। और उसके बाद में देखते हैं कि टंगस्टन दोस्तों, डेगाना, नागौर, नाना कराब, पाली, आबू, रेवदर, बालदा, सिरोही दोस्तों जो है आबू, रेवदर और बालदा सिरोही में है, और कराब पाली, नाना कराब पाली में है, और डेगाना नागौर में है, और टंगस्टन के प्रमुख उत्पादक राज्य मतलब जिले हैं दोस्तों, वो जगह है, निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखनी होगी। और अयस्क दोस्तों हैं उसके टंगस्टन के, वो है वोल्प्रोमाइट, वोल्फ्राम और या सिलाइट, इस प्रकार के टंगस्टन के अयस्क हैं। और मैंगजीन द मैंगनीज दोस्तों सर्वाधिक बांसवाड़ा, लीलवाना, तलवाड़ा, ये बांसवाड़ा में दोस्तों है लीलवाना और तलवाड़ा, वहाँ मैंगजीन सर्वाधिक मिलता है। और दोस्तों ये औषधि शैलों से प्राप्त होता है, निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना होगा कौन सी चट्टानों से मैंगनीज प्राप्त होता है, तो निश्चित तौर पर औषधि शैलों से। और मुख्य इसके दोस्तों इसको इसका है जो साइलोमेलिन है, इसको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों वोलेस्टोनाइट है जो मुख्य स्रोत सिरोही है वोलेस्टोनाइट का, और उदयपुर, अजमेर, ये वोलेस्टोनाइट के जो प्राप्ति स्थल है। और दोस्तों फिर है इसका जो वोलेस्टोनाइट है वो पेंट, कागज व सिरेमिक उद्योग में प्रयुक्त होता है वो वोलेस्टोनाइट। और देश में वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार 88% अप्रोक्स यानी कि एटमोस्ट मतलब लगभग 88% राजस्थान में मिलता है, और दूसरा स्थान गुजरात का है वोलेस्टोनाइट की उत्पादन में। निश्चित तौर पर राजस्थान खनिजों के अजायब घर के रूप में जाना जाता है, तो आपको खनिज मूलभूत टॉपिक हो जाते हैं कि कंपटीशन की दृष्टि से कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करेंगे कि हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप को सब्सक्राइब कीजिए,
और पास में घंटी का साइन लगा है, निश्चित तौर पर उस पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी हम लेटेस्ट अब वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके और निश्चित तौर पर हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं हो दोस्तों। और करूँगा दोस्तों एक गुजारिश, अगर आप रीट की तैयारी करें तो निश्चित तौर पर हमने साइकोलॉजी की वीडियो अपलोड कर दी है और संस्कृत की जो सेशन चल रहा है, अगर आपका संस्कृत फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी रीट जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो भी एग्ज़ाम संस्कृत होता है तो निश्चित तौर पर हमारे वीडियो रीट की प्लेलिस्ट में जाकर निश्चित तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल स्प्रिंग अप। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।